खजरी खिरिया बाईपास में खाद व कीटनाशक की अवैध फैक्ट्री चलाने वालों ने दूसरी फैक्ट्री समदड़िया ग्रीन सिटी माड़ोताल में एक रिहायशी मकान में खोल रखी थी। रविवार को एसडीएम ऋषभ जैन के नेतृत्व में पहुंची राजस्व व कृषि विभाग की टीम ने फैक्ट्री की जांच कर किसानों के साथ किया जा रहा फर्जीवाड़ा उजागर किया। अवैध फैक्ट्री से लाखों रुपए कीमत के कीटनाशक व खाद बनाने में उपयोगी कच्चा माल जब्त किया गया है। सरकार व किसानों के साथ धोखा करने वाली जालसाज नामी कंपनियों के नाम पर नकली खाद बनाकर हूबहू पैकिंग करके किसानों को बेच देते थे। कई जिलों में नकली खाद के कारोबार का पता चला है और कलेक्टर कन्वीर शर्मा के निर्देश पर हुई कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री की नकली खाद खपाने वाले जिले भर के कारोबारियों को निशाने पर लिया गया है। एक दर्जन से ज्यादा कृषि केंद्रों को रात में ही सील करवा दिया गया। इंदौर की कंपनी के एक पार्टनर को हिरासत में ले लिया गया है। ये मकान किराए से है, मकान मालिक और किराएदार दोनों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। और ये जो है पूरा पैकिंग मटेरियल यहाँ मिला है, कच्चा मरा मटेरियल मिला है, तो सीधे सीधे दूसरी कंपनियों के ब्रांडेड को पैकिंग किया जा रहा था। जैसे आपने देखा होगा रैपर है, पैकिंग मटेरियल है, वेइंग मशीन है, और ये कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद जो लिंक निकाल रहे हैं यहाँ से कि कहाँ कहाँ माल जा रहा है, वहाँ पे भी कार्रवाई की जाएगी। किसका सर जी, कौन है? ये फूल सिंह लोधी। फूल सिंह लोधी तो इसका जो काम कर रहा है वो फूल सिंह लोधी है। आज जब हम लोगों ने पुलिस प्रशासन ने उसी दिन इसको सील कर दिया था और आज जब खोला तो यहाँ पे यानी वहाँ के कुछ प्रोडक्ट तो मिले ही मिले, साथ में यहाँ पे अलग अलग विभिन्न कंपनियों के प्रोडक्ट मिले और पैकिंग मटेरियल मिला है, रॉ मटेरियल मिला है। और इसके अलावा यानी सील पैक करने के लिए उनके सारे चीज़ें, खाली रेपर, खाली पैकेट, सब चीज़ें मिली है, जिससे यहाँ पे ये शंका है कि यह लगभग यानी गोरख धंधा और बड़ी कंपनियों के, नामी कंपनियों के प्रोडक्ट यहाँ पे पैक करके बेचने का काम चल रहा है। तो इसके लिए सैंपलिंग वगैरह लगातार की जा रही है, जितने भी प्रोडक्ट पाए जा रहे हैं उनका एनालिसिस लैब में करवाया जा रहा है।